आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप GTA अपने मोबाइल में खेल सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो काफ़ी शानदार है सारे GTA फैंस के लिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप GTA अपने मोबाइल में खेल सकते हैं। तो उसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक जागरण पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी जरूर दबाएं। और एक और बात, अगर आप जीतने जाते हैं 1,00,000 तक के कैश प्राइज डेली, वो भी सिर्फ गेम्स खेल के, तो फटाफट जागरण पे की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप डेली गेम्स खेलिए, उससे आप जीत सकते हैं 1,00,000 तक के कैश प्राइज। साथ ही साथ जागरण पे की ऐप भी आ चुकी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देर किस बात है, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है आयान, आप देख रहे हैं जागरण प्ले। तो गाइस इस वीडियो में आपको मैं एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बताऊंगा कैसे आप GTA को अपने मोबाइल में खेल सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैं सारे रिक्वायरमेंट्स भी बताऊंगा, तो कोई भी स्टेप को मिस मत करना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर हम लोग बात करें कि आप GTA कैसे मोबाइल में खेल सकते हो, तो ये पॉसिबल है थ्रू नेटफ्लिक्स गेम्स। नेटफ्लिक्स ने रॉकस्टार का कोलैब करके GTA ट्रायोलॉजी डेफिनेटिव एडिशन को नेटफ्लिक्स गेम में लॉन्च किया है। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो आप नेटफ्लिक्स गेम के थ्रू GTA को खेल सकते हो। अगर हम लोग बात करें डिवाइस रिक्वायरमेंट्स की, तो आप इसको आराम से कोई भी आईफोन में तो खेल सकते हो। अगर हम लोग एंड्रॉइड की बात करें तो यहाँ पर आपको कम से कम एंड्रॉइड 13 चाहिए। साथ ही साथ आपके पास एक एक्टिव नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। विदाउट एन एक्टिव नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आप GTA डेफिनेटिव एडिशन को नहीं खेल सकते। अब बात करें इसको कैसे डाउनलोड करते हो, इसके दो स्टेप है। या तो आप डायरेक्टली नेटफ्लिक्स के ऐप पर जाकर इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर पर जाकर GTA नेटफ्लिक्स सर्च करिए, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी गेम एंड वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करें यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे हैं वो है डिवाइस इनकम्पैटिबिलिटी का। तो गाइस यहाँ पे सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे हैं कि उनका डिवाइस इनकम्पैटिबल शो हो रहा है। तो गाइस गेम अभी लॉन्च हुआ है, रॉकस्टार जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को फिक्स करने की कोशिश कर रहा है एंड सारी डिवाइस पर लॉन्च करने की जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा है। एंड अगर आपका डिवाइस इनकम्पैटिबल शो हो रहा है बट आपके जो रिक्वायरमेंट्स आपने सारे चेक हो चुके हैं, तो आप इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप अबाउट फोन में जाके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें आपका एंड्रॉइड 13 एंड डिवाइस का प्रोसेसर रैम सब शो हो रहा हो, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड नेटफ्लिक्स गेम के सपोर्ट पेज को जाके आप मेल कर दीजिए एंड उसमें बता दीजिए कि मेरे डिवाइस रिक्वायरमेंट सारे कंप्लीटेड बट से मेरे कोई डिवाइस इनकम्पैटिबल शो हो रहा है। हम ज्यादा मेल करेंगे ताकि रॉकस्टार जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दे एंड आपके फोन में इजीली गेम डाउनलोड हो जाएगी। गाइस गेम जल्दी से जल्दी सारे फोन्स में आ जाएगी, आपको बस वेट करना है। मैंने इस गेम को OnePlus 11R 16 Red पे खेला था, जिसमें 18GB की रैम एंड Snapdragon 8 Plus Gen 1 है एंड उसमें गेम सही चल रही थी। मेरे को अप्रॉक्स 30-40 FPS देखने को मिल रहे थे, तो ऐसे कोई हमारे को 60 FPS देखने को नहीं मिलेंगे, बट गेम काफी शानदार है। इसमें चीट कोड्स भी हमारे को देखने को मिलते हैं, तो गेम काफी बढ़िया है। गाइस मैं आपको अभी फिर से गेम के रिक्वायरमेंट्स बता दूं, तो आपको एंड्रॉइड में कम से कम एंड्रॉइड 13 तो होने चाहिए, अच्छा एक डिसेंट प्रोसेसर भी होना चाहिए गेम को हैंडल करने के लिए। गाइस अगर बात करें गेम के साइज की, तो गेम का साइज अप्रॉक्स 10GB है, तो ये भी ध्यान रखना कि आपके फोन में 10GB की स्टोरेज अवेलेबल हो डाउनलोड करने के लिए। गेम काफी शानदार है, जैसे आप गेम को लॉगिन कर लेंगे आपको एक नेटफ्लिक्स का आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा, तो आपके पास एक एक्टिव सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन प्लान की, तो 199 से स्टार्ट हो जाता है, तो आप बेसिक प्लान भी लेंगे उसमें भी आपका गेम चल जाएगा। अब बात करें कि हम लोग उसको लैपटॉप या टीवी में खेल सकते, तो गाइस टीवी में अगर नेटफ्लिक्स गेम का सपोर्ट है तो आप उसमें खेल सकते हो, अगर नहीं है तो आप नहीं खेल सकते। लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप में नेटफ्लिक्स गेम का सपोर्ट हमारे को देखने को नहीं मिलता, बट थ्रू एमुलेटर्स जो हम लोग मोबाइल के एमुलेटर्स होते हैं उसके थ्रू हम लोग शायद गेम खेल सकते हैं। अगर आपको उसका ट्यूटोरियल देने के लैपटॉप में हम लोग मोबाइल एमुलेटर के थ्रू नेटफ्लिक्स गेम्स कैसे खेले, तो आप मेरे कमेंट्स में बताइए, मैं उसका ट्यूटोरियल जल्दी लेके आऊंगा। तो गाइस ये था सारा ट्यूटोरियल आपको अगर कैसे GTA को मोबाइल में खेलना है, सारे GTA फैंस के लिए बहुत ही शानदार वीडियो। अगर आपको गेम खेलने है आपके GTA फ्रेंड्स है तो उनके लिए आप ये वीडियो शेयर करिए। साथ ही साथ गाइस मैंने लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट कर दिया, अगर आपको मेरे साथ खेलना है तो अपना गेमर टैग या डिस्कॉर्ड आईडी आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए, हम लोग साथ में लाइव स्ट्रीम में खेलेंगे। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे एंड हेल्पफुल लगे, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना जागरण प्ले को। ये वीडियो सारे GTA दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको अभी कोई भी डाउट हो कि हम लोग GTA को अपने मोबाइल में कैसे खेल सकते हैं, आप कमेंट से बताइए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, टिल देन स्टे सेफ एंड प्ले गेम्स।